ताजिकिस्तान के दोस्त हैं इज़्ज़त अमान साहब, कहते हैं जब मेरी वालदा की उम्र 72 साल थी, शदीद बीमार हो गई। पहले ही कई सालों से दिल के आर्जा और ज़हनी दबाव की वजह से बीमार रहती थी, लेकिन इस बीमारी की वजह से उनकी सेहत बहुत कमज़ोर हो गई और डॉक्टर की बातों से हम रिश्तेदारों में मायूसी फैल गई। कहते हैं उस वक्त मेरी मुलाकात थी खलीफतुल मसीह के साथ, मुलाकात हो चुकी थी। इस तल्लुक़ की वजह से मुझे यकीन था कि मैं दुआ के लिए कहूँगा तो आपको ज़रूर अल्लाह ताला कबूल करेगा। कहते हैं बहरहाल मैं जब मैंने लिखा तो दुआओं के साथ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी मुझे मिली, मेरी वालदा ठीक हो गई। और इस वक्त मेरी वालदा की उम्र जब उन्होंने लिखा था 79 साल है, वो हज का इरादा भी रखती हैं और ये खिलाफत के साथ ताल्लुक़ और दुआओं का नतीजा है खलीफा वक्त की कि अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी है। अल्लाह ताला ईमान और यकीन पैदा करने के लिए ऐसे नज़ारे दिखा देता है ताकि बताए कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था कि वो खुदा ताला की तरफ से था और सच था।